फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक और क्रोशिए से डिज़ाइन। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा यूनिक डिज़ाइन है जो कि आप स्वेटर पे डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, या फिर कुछ भी बनाएं बहुत अच्छा लगेगा उससे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धागे को इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से धागा डालने के बाद हम आगे से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पे एक नॉट बना लेंगे। ठीक है, अब आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंदे या फिर नॉट्स ले लेने हैं, जितने भी आपको यहाँ लेंथ रखनी है स्वेटर की या फिर शॉल की, जो भी आप बना रहे हैं उतनी आपने यहाँ पे लेंथ के यहाँ पे ये नॉट्स ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए ये एक रो बना ली है। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर डिजाइन। अब हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो क्रोशिए को पहले इस तरह से थोड़ा सा खींच लीजिए। अब क्रोशिए पे धागा लेंगे और सेम इस पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट में से क्रोशिए से धागा लेकर आएंगे। ठीक है, फिर से सेम इसी तरह से हम क्रोशिए पे धागा लेंगे, सेम पॉइंट से दोबारा डालेंगे और आगे से क्रोशिए पे धागा लेकर आएंगे। 6 बार हमको सेम इसी तरह से यहाँ पे करना है। फिर से सेम पॉइंट से डालेंगे, आगे से क्रोशिए पे धागा लेकर आएंगे, फिर से यहीं से लेंगे, आगे से क्रोशिए पे धागा लेकर आएंगे। तो 6 बार आपको यहाँ पे सेम इसी तरह करना है। फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे और आगे से लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिए पे धागा लेंगे और नीचे हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स को छोड़ देंगे, 1, 2, 3 और 4। चौथे वाले से हम बनाएंगे, यहाँ से दोबारा हम इसी तरह से बनाएंगे। एक बार क्रोशिए पे धागा लेंगे और यहीं से दोबारा क्रोशिए पे धागा लेंगे और वापस लेकर आएंगे। 2 बार फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, होल में से डालेंगे, आगे से क्रोशिए पे धागा लेकर आएंगे। 3 बार सेम इसी तरह से आपने 6 बार करना है। 4, 5, 6, 6 बार हो गया। सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 4 नीचे छोड़ेंगे। कौन से, इस वाले से बनाया है, 1, 2, 3 और चौथे वाले से अब हम बनाएंगे इस वाले से। फिर से पहले क्रोशिए पे धागा ले लेंगे इस तरह से, और अब फिर से यहीं से बनाएंगे, आगे से लेकर आएंगे, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, फिर से डालेंगे और 6 बार इसमें भी बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6 बार यहाँ बनाया है, 6 बार जहाँ और 6 बार जहाँ। अब फिर से क्रोशिए पे धागा ले लेंगे, 4 पॉइंट्स नीचे आपने छोड़ने हैं, 1, 2, 3 और फोर्थ वाले से बनाना है। आगे से क्रोशिए पे धागा लेके आएंगे, खींच लेंगे, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, सेम पॉइंट से 6 बार बना लेंगे। तीन, 4, 5, 6, ठीक है, 6 बार। फिर से नेक्स्ट आपने कितने छोड़ देने हैं, 1, 2, 3, 4 और चौथे वाले से अब हम बना देंगे। 1, 2, धागे को थोड़ा सा खींचना है साथ में, 3, यहां पे लाके धागे को थोड़ा खींच लेना है, 4, 5, 6। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे 6-6, हमने 4-4 पॉइंट बीच बीच में छोड़ के 6-6 बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले 6 में से निकालेंगे। आपने यहाँ पे 12 हो गए ना, 6 लोगे तो डबल होके यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो आपने 6-6 में से निकालते जाना है। पहले 6 में से इस तरह निकालेंगे, उसके बाद एक सिंपल नॉट लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक सिंपल नॉट लिया, अब आगे वाले 6 में से भी इसी तरह से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस तरह से हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ से इसको निकाल दिया ना, अब इसी को हमने 6 बार फिर 6 वालों में से फिर से निकाला। देखिए यहां से आपने बस ध्यान रखना है कि 6-6 ही निकलने चाहिए, ज्यादा नहीं, एक बारी में सिर्फ 6 ही निकलने चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें गिनिए कितने रह गए, 2, 4, 6, ठीक है,
छह हमारे इधर निकल गए और छह इधर रह गए, दो चार और छह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको लॉक करेंगे पहले, और इन छः छः के बाद हम यहाँ पे एक नॉट लेते जाएंगे इस तरह से एक्स्ट्रा, एक नॉट एक्स्ट्रा ले लिया। अब फिर से अब क्रोशिया पे धागा नहीं लेंगे और इन छः में से हम इसी के साथ निकालेंगे। फिर से यहाँ से इसको इस तरह से लॉक करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट वाले छः में से इसी तरह से निकाल देना है, ठीक है। पीछे हमारे छः बज गए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लॉक कर देंगे और इन जो जो ये 12 वाले हैं ना, इनके बीच में एक एक नॉट लेते जाना है। ये 12 है ना, 6 हम इधर कर रहे हैं, 6 हम इधर, बीच में एक एक नॉट लेते जाना है हमने। तो इस तरह से एक हम यहाँ एक्स्ट्रा नॉट ले लेंगे और फिर इसी के साथ यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे। अब फिर से इसको लॉक करेंगे और आगे वाले 6 में से निकाल लेंगे। निकाल दिया। अब इसको हम यहाँ लॉक करेंगे और बीच में एक नॉट ले लेंगे। बीच बीच में एक नॉट लेना है, साइडों पे नहीं लेना है। अब हम इसी को इन 6 में से निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको लॉक करके फिर से नेक्स्ट 6 में से निकाल लेंगे। निकाल लिया। इसको यहाँ पे अब हम लॉक करेंगे और एक एक्स्ट्रा नॉट लेंगे और उसको हम इन सब में से निकाल के यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन आया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक हमने लॉक कर दिया, एक हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से करके इन दोनों को एक कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर से सेम यहाँ से हमने 6 बार लेना है, एक दो तीन चार पांच 6, 6 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे और आगे वाला ये है ना, ये देखिए जो बीच में हमने एक एक एक्स्ट्रा नॉट लिया था ना, अभी हमें उनके बीच बीच से बनाते जाना है। ये देखिए इसके बीच में लिया था, यहाँ से बनाते जाना है, यहाँ से बनाते जाना है, ठीक है, जो हमने 6-6 बीच से डिवाइड किए थे। इतना हमारा हो गया। अब क्रोशिए पे धागा लेंगे, नेक्स्ट वाले में से 6 बार बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच 6, ये देखिए। अब नेक्स्ट वाले में से क्रोशिए पे धागा लेंगे, नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये हो गए हमारे कितने, 6। अब हम इसमें से भी 6 बनाएंगे और इसमें से भी 6 बनाएंगे, इन दोनों में से 6-6 बना लेंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने फिर से क्या करना है, यहां से क्रोशिए पे धागा लेना है और 6-6 में से निकालते जाना है। पहले 6 में से हम यहां निकाल देंगे, छह में से हमने निकाल दिया। अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरह से और एक एक्स्ट्रा नॉट ले लेंगे। इन सबके बीच बीच में एक एक्स्ट्रा नॉट लेना है सेंटर में। तो यहां पर हमने एक नॉट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इन 6 में से निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको भी लॉक कर देंगे इस तरह से। 6 में से निकल गया। अब इसको लॉक कर देंगे और एक एक्स्ट्रा नॉट ले लेंगे यहाँ पे, और अब इसको भी 6 में से निकाल लेंगे और लॉक कर देंगे। फिर 6 में से निकालेंगे इसको और यहाँ लॉक कर देंगे और एक एक्स्ट्रा नॉट ले लेंगे। अब इसको फिर हम 6 में से निकालेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर इसको 6 में से निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से करके इसको भी लॉक करके एक एक्स्ट्रा नॉट ले लेंगे। सेंटर में हमने नॉट लेते जाना है। फिर इसको हम 6 में से निकाल देंगे और यहाँ लॉक कर देंगे। फिर 6 में से निकालेंगे, तो अब हम इसे भी यहाँ पे लॉक कर देंगे और एक नॉट ले लेंगे, और अब इन 6 में से निकालेंगे और इसको भी यहाँ लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी पत्तियां सी बनती जाएंगी ऊपर ऊपर। फिर से हमने सेम इसी तरह से करना है फ्रेंड्स। ये जो सेंटर सेंटर में आए हैं, यहाँ यहाँ से हमने 6-6 बनाते जाना है। सेम प्रोसेस ऊपर भी हमने करना है। यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से लेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, पहले इसको यहाँ पे हम लॉक कर देंगे इस तरह से,
ठीक है। देखिए आपने साइड से मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने इलाके इसको लॉक कर दिया था। अब हम ये जहाँ से हमने 6 बनाने हैं वहाँ से हम डालेंगे, आगे से क्रोशिए पे धागा लेके आएंगे, इन दोनों को यहाँ पे लॉक कर देंगे और एक एक्स्ट्रा नॉट ले लेंगे, फिनिश। अभी इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और सेम यहाँ से भी अब हम 6 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम यहां से भी 6 बार, यहां से भी 6 बार, यहां से भी 6 बार और यहां से भी 6 बार बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर वाली रो भी पूरी बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, इन 6 में से निकालेंगे, फिर बीच में एक नॉट एक्स्ट्रा लेंगे, फिर 6 में से, फिर 6, फिर एक नॉट एक्स्ट्रा, फिर 6, इसी तरह से अब हम दोबारा कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से आपका जो डिजाइन है वो ऊपर ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पत्तियां बनती जाएंगी आपकी और ऊपर ऊपर आपका डिजाइन जो है वो चलता जाएगा। तो आप एक क्रोशिया से ही ये डिजाइन बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रोशिया चाहिए होगा लंबा, ठीक है, जो इस तरह का स्लाइड टाइप क्रोशिया आता है ना, वो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो क्रोशिया है ये छोटा क्रोशिया है। मैं तो छोटा सा एक डिजाइन आपको बता रही हूँ इसलिए मैंने छोटे क्रोशिया पे बनाया है, बट अगर आप लंबा वाला बना रहे हैं, कोई पल्ला बना रहे हैं या स्वेटर शॉल कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको लंबा वाला क्रोशिया चाहिए होगा, उसी से आप बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर से मिलते हैं नई एक और वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप भी इस तरह से ही बहुत ही सिंपल और इजी डिजाइन घर पे बनाकर रेडी करिए। तो आपने मुझे पिक्स जरूर सेंड करना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा है।